हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन टू व्लॉग चैनल। गाइज, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम जा रहे हैं शादी में, लेकिन किसकी शादी में जा रहे हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा, आप बने रहोगे मेरे व्लॉग वीडियो में और देखते रहना। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज, मैं आपको शादी में जाने से पहले से अपनी जो प्रिपरेशन की है मेहंदी लगवाने से लेकर, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप बने रहो मेरे व्लॉग वीडियो में, देखते रहो, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग वीडियो। तो यहाँ हम शादी में जाने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन रवाना होने से पहले मैं लगवा रही हूँ अपने घर पर मेहंदी। तो शॉपिंग वगैरह मैंने सब कर ली और सब प्रिपरेशन भी कर दी, लेकिन मेहंदी ना तो लगवाने को टाइम मिला और ना खुद लगाने को टाइम मिला। तो आज ही हमें शादी में जाना है। सुबह उठकर मैंने नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, सबको ब्रेकफास्ट करवाया, खुद ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाने के लिए बुलाई है अपनी किसी फ्रेंड को, तो वो मेरे यहाँ मेहंदी लगा रही है। तो मेरे को टाइम तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड को ड्यूटी जाना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से लगवा लेती हूँ, नहीं तो नहीं लगवा सकती क्योंकि उन वो तो लग जाते भी, फटाफट जल्दी करो। तो मैंने मौके की तलाश में थी और मैंने लगवा ली मेहंदी। सुखाने को टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन चलो एक बार लगवा लेती हूँ तो उसके बाद वॉश भी कर दूँगी तो मेहंदी अपना रंग ज़रूर देगी, क्योंकि मेहंदी रंग लगने के बाद देना ही देना मेहंदी को। तो आप कमेंट में बताइए कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। तो मैं थोड़ी जल्दी में इसलिए फटाफट से मैंने कहा फटाफट बस शगुन के तौर पर लगा दो। तो मेहंदी लगने के बाद सुखाने को टाइम नहीं लगा और मैंने वॉश करके हैंड वॉश कर लिए और फटाफट से मैंने अपनी साड़ी वगैरह लगा के और मैंने की तैयारी और हो गई है घर से यहाँ रवाना। मेहंदी का डिज़ाइन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। जल्दबाजी में बड़ा बड़ा डिज़ाइन लगवाया, लेकिन बहुत अच्छी मेहंदी लगी। सूखने के बाद इसने बहुत अच्छा सा कलर भी दिया। यहाँ हम रेडी होकर चल दिए शादी में। तो थोड़ी बहुत अपनी ज़रूर रह जाती है तैयारी, कितना मर्जी तैयारी करते रहें। फिर मैंने सोचा कि अगर रात में लगवा लेती तो बहुत अच्छा कलर देती, लेकिन मेहंदी ने अपना उसके बाद भी बहुत अच्छा कलर दिया है। तो यहाँ हमारी और फैमिली पहुँच गई है और हम भी जा रहे हैं, तो सब एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और शादी में एंजॉय के लिए तो है ही है। पहुँच गए हैं हम, तो यहाँ शादी है मेरे भांजे की, तो हम पहुँच गए अपने शहर में जहाँ है शादी। पहुँच गए हमारे वेलकम के लिए हमारी फैमिली। तो यहाँ मेरे भांजे की शादी है, तो जिया जी पहुँच गए हैं, भाई और भांजे भतीजे सब पहुँचे हुए ऑलरेडी, वो भी आ गए हैं हमसे मिलने के लिए और सब हमारा ही वेट कर रहे थे, तो हम भी पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद सबसे पहले चाय नाश्ता करवा के और भात की तैयारी शुरू हो गई थी। तो यहाँ भाई भाभी भात में लेकर आए हैं ज्वेलरी कपड़े वगैरह सब, तो यहाँ भात की तैयारी हो गई है।
भात भरने की हो गई है तैयारी। तो यहाँ ज्वेलरी और साड़ी, पेंट शर्ट, कंबल और कपड़ों के साथ साथ यहाँ मेन रोल होता है अपनी बहन के लिए चुंदड़ी का, जो कि भाई अपनी बहन को चुंदड़ी उड़ाएंगे और बहन उनके तिलक करेंगे और शगुन के तौर पर फोटो वगैरह देंगे। और कहाँ से कर लो तेरी जय जयकार।
400 की मदियों से बड़ा फटा पड़े कोई छाती छाती रोली होगी कि छोटी भाई छाती हाँ ना होगी क्या तुम्हें ये क्या हो रहा है
चलो ये चलो अंदर लिया सारे।